चलिए अभी हम लोग Xi'an Jiaotong यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में हैं और ये कैंपस काफ़ी भव्य है, काफ़ी बड़ा है। और मैं अभी अपनी बच्ची को लेकर, हम चारों लोग MBBS के लिए अपने बच्ची को लेकर यहाँ इंडिया से आए हैं। और यहाँ काफ़ी अच्छा एकोमोडेशंस है और एकोमोडेशंस इतनी अच्छी है और सबके सिंगल सिंगल लेटेस्ट है, सिंगल सिंगल रूम्स हैं, काफ़ी अच्छे यहाँ के सुविधाएं हैं, कैफेटेरिया है, यहाँ खाने के लिए फूड्स हैं, चाइनीज़ फूड्स अलग से हैं, इंडियन फूड्स काफ़ी हद तक मिल जाती है, वेज नॉन वेज भी, वेज में थोड़े आइटम कम हैं, नॉन वेज में थोड़े आइटम्स ज़्यादा हैं। और एक कैंपस में ही बहुत बड़ा ग्राउंड्स हैं जिसमें फुटबॉल्स प्ले ग्राउंड्स, फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स, बास्केटबॉल्स, गार्डन्स एंड बहुत बड़े यहाँ का क्लासरूम एरिया है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसमें काफ़ी सैकड़ों उसमें रूम्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंग्लिश में पढ़ाते हैं। और एक इसी कैंपस में बहुत बड़ा मॉल्स है जहाँ पर बच्चों के लिए सारे ज़रूरी की सामान रिजनेबल रेट में मिल जाती है। अभी डेली नीड की और ये सब देखते हुए मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई, यहाँ पर बच्चे को लाके काफ़ी संतुष्टि हुई। अभी थोड़े से यहाँ पर कमी है कि कैब जो है अभी आउट स्कट होने के चलते और इंडियन चाइनीज ऐप्स नहीं होने के कारण कैब में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन पहले के जो स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर के, वो लोग काफ़ी मदद करते हैं और इससे हमें अभी तक 4-5 दिन में कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी बहुत दिक्कत तो स्वभावता है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी के बारे में यहाँ सोचना ही नहीं है, जहाँ पर सोचना पड़ता है वहाँ सिक्योरिटी के बारे में बताना ज़रूरी है। यहाँ पर सिक्योरिटी नाम की मतलब डर कोई चीज़ की नहीं है यहाँ पे। हाय फ्रेंड्स, सो वी आर हियर एट Xi'an Jiaotong यूनिवर्सिटी इनोवेशन कै दिस सेंटर पोर्ट, या वी आर हियर एग्जैक्टली। सो एक्चुअली दिस इज अवे फ्रॉम द मेन यूनिवर्सिटी एंड दिस इज मेन कैंपस ऑफ कोर्स, या सो हियर आई जस्ट केम टू गेट माई डॉटर एडमिटेड एंड नाउ आई थिंक शी एन्जॉयज अ लॉट। दिस इज बिग ओशन, आई कुड से really it's a big ocean and we are expecting a lot from this university, of course, and of course this is much funded by the government itself. As you all know that this is comes under Ministry of Education, and apart from that my colleague, my friend just now conveyed that about the infrastructure, so it is really 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 awesome, of course. And here all sort of all over the world, we just met the students from all over the world, Africa, Asia, and especially some from Pakistan, even especially Pakistan, Iran, Indonesia, Burma, and other places. And here to add to it, really we are thinking in future, I mean the transport facility, actually that is the only thing lacking. Maybe it will be fulfilled in a short while, and apart from that it's really good, and the students will we expect a lot from this university in the days to come. Thank you very much. Bye. Thank you.